हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। आने वाले दिन में आपको सक्सेस मिले, यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्टील के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ये चैप्टर एक्सरसाइज 32 का ही पार्ट है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 31 के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं। जो कोई मिस कर गए हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ उसे देख लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 822 से स्टार्ट होने वाले हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 31 के क्वेश्चन नंबर 821 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 822, द टेम्परेचर एट व्हिच ऑस्टेनाइट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द, जिस तापमान पर ऑस्टेनाइट बनता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन बी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन सी हीटिंग टेम्परेचर, ऑप्शन डी कूलिंग टेम्परेचर। गेस कीजिए आंसर। जब ऑस्टेनाइट फॉर्म होते हैं यानी बनता है उसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। सही गेस किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 823, द टेम्परेचर एट व्हिच ऑस्टेनाइट इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड द, जिस तापमान पर ऑस्टेनाइट को पूरा किया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन बी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन सी हीटिंग टेम्परेचर, ऑप्शन डी कूलिंग टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर ऑस्टेनाइट कंप्लीट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? गेस कीजिए आंसर। नहीं, हीटिंग टेम्परेचर नहीं होगा। आंसर इज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। आंसर इज ऑप्शन बी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 824, एट वट टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट कमेंसेस, ऑस्टेनाइट के किस तापमान पर निर्माण शुरू होता है। ऑप्शन ए 723 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 693 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 980 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 1100 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज ऑप्शन ए 723 डिग्री सेल्सियस पर ऑस्टेनाइट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 825, हीटिंग प्लेन कार्बन स्टील यूनिफॉर्मली अबव द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कॉजेस द कमेंसमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन कॉल्ड डैश, कम महत्वपूर्ण तापमान के ऊपर सामान्य रूप से सादे कार्बन स्टील को गर्म करने से ठोस घोल बनता है जिसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए फेराइट, ऑप्शन बी पियरलाइट, ऑप्शन सी ऑस्टेनाइट, ऑप्शन डी मेटनसाइट। गेस कीजिए आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी ऑस्टेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 826, एन यूटोक्टेड स्टील कंजिस्ट्स ऑफ, एक यूटोक्टेड स्टील में डैश होते हैं। ऑप्शन ए होली पियरलाइट, ऑप्शन बी होली ऑस्टेनाइट, ऑप्शन सी पियरलाइट एंड फेराइट, ऑप्शन डी पियरलाइट एंड सीमेंटाइट। एक यूटोक्टेड स्टील में क्या होते हैं? ये होता है पूरी तरह से पियरलाइट। आंसर इज ऑप्शन ए। ऑस्टेनाइट को हम यूटोक्टेड स्टील को हम पियरलाइट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 827, स्टील व्हिच कंटेन 0 to 0.8% कार्बन इज नोन एज, स्टील में 0 to 0.8% कार्बन होता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हाइपो यूटोक्टेड स्टील, ऑप्शन बी हाइपर यूटोक्टेड स्टील, ऑप्शन सी
यू टेक्टोड स्टील, ऑप्शन डी नन। जिस स्टील में 0 से लेके 0.8% कार्बन होते हैं उसे कहा जाता है हाइपो यूटेक्टेड स्टील। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 828। स्टील व्हिच कंटेन जस्ट 0.8% कार्बन इज नोन एज। स्टील जिसमें सिर्फ 0.8% कार्बन होता है देश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हाइपो यूटेक्टेड स्टील, ऑप्शन बी हाइपर यूटेक्टेड स्टील, ऑप्शन सी यूटेक्टेड स्टील, ऑप्शन डी नॉन। जिसमें सिर्फ 0.8% कार्बन होते हैं उसको यूटेक्टेड स्टील कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 829। स्टील व्हिच कंटेन 0.8% to 2.1% कार्बन इज नोन एज। स्टील में 0.8% से 2.1% कार्बन होता है जिसे डेस के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही इजी है और याद रखना भी बहुत इजी है। 0.8% को आप यूटेक्टेड ले लीजिए और बाकी उसे कम हाइपो और उससे ज़्यादा हाइपर। बस इतना ध्यान में रखने से इजीली आंसर कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जिसमें 0.8% से लेके 2.1% तक कार्बन होते हैं उसको हाइपर यूटेक्टेड स्टील कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 830। केमिकल कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन इज नोन एज। लोहे और कार्बन के रासायनिक यौगिक को डेस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए फेराइट, ऑप्शन बी पियरलाइट, ऑप्शन सी सीमेंटाइट, ऑप्शन डी मेटनसाइट। आंसर इज सीमेंटाइट। ये उसका केमिकल कंपाउंड का मिक्सचर है उसको सीमेंटाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 831। प्योर आयरन स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ इरेगुलर सॉलिड आयरन क्रिस्टल इज नोन एज। अनियमित ठोस लोहे के क्रिस्टल के विभिन्न आकारों से बनी शुद्ध लोहे की संरचना को डेस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए फेराइट, ऑप्शन बी पियरलाइट, ऑप्शन सी ऑस्टेनाइट, ऑप्शन डी मेटनसाइट। आंसर इज ऑप्शन ए फेराइट। ये प्योर आयरन को कहा जाता है फेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 832। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयरन स्ट्रक्चर इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटिल बट इट इज नॉट स्ट्रांग। निम्नलिखित में से कौन सी लोहे की संरचना बहुत कठोर और भंगुर है लेकिन यह मजबूत नहीं है। ऑप्शन ए फेराइट, ऑप्शन बी पियरलाइट, ऑप्शन सी सीमेंटाइट, ऑप्शन डी मेटनसाइट। गेस कीजिए आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में भी आते रहते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी सीमेंटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 833। लैमिनेटर स्ट्रक्चर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट इज कॉल्ड डेस। फेराइट और सीमेंटाइट के टुकड़े संरचना को डेस कहा जाता है। ऑप्शन ए फेराइट, ऑप्शन बी प्योरलाइट, ऑप्शन सी ऑस्टेनाइट, ऑप्शन डी मेटनसाइट। आंसर इज ऑप्शन बी प्योरलाइट। ये उसका लैमिनेटर स्ट्रक्चर होता है फेराइट और सीमेंटाइट का उसको पियरलाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 834। व्हिच प्लेन कार्बन स्टील इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ पर्ल। किस सादे कार्बन स्टील को मोती की माँ के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए फेराइट, ऑप्शन बी पियरलाइट, ऑप्शन सी सीमेंटाइट, ऑप्शन डी
मेटन साइट। पेयरलाइट को ही हम मदर ऑफ पॉल के रूप में भी जानते हैं। इसका नाम भी इसीलिए रखा गया है पेयरलाइट, पॉल से पेयरलाइट। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, इजी होगा। आंसर इज ऑप्शन बी, पेयरलाइट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।